सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको हर वीडियो। नमस्कार, आप इंडिया टाइम न्यूज, इंडिया टाइम न्यूज आपका स्वागत। वीकेंड बलिया, बलिया में बीरेन्द्र सिंह मस्त का हुआ भव्य स्वागत। कार्यकर्ताओं में दिखा काफी जोश और जुनून। इंडिया टाइम न्यूज संवाददाता सुरेंद्र कुमार गुप्ता की खास रिपोर्ट। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के बलिया लोकसभा की, जहां पर भाजपा उम्मीदवार व किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भदोही के सांसद बीरेन्द्र सिंह मस्त का अपने बलिया लोकसभा सांसदीय क्षेत्र में प्रथम आगमन पर जनता से रूबरू हुए, जहां पर जगह जगह पर उनका बहुत स्वागत और अभिनंदन किया गया, जहां पर जनता और कार्यकर्ताओं में जोश और जुनून देखने को मिला। बनता जिस तरह से गाड़ियों में लंबा ताता वही जन समूह सैलाब रोड पर दिखा, और भाजपा उम्मीदवार के स्वागत में ढोल नगाड़ों के साथ जिस तरह से उनका जिले में स्वागत हुआ, वह निश्चित ही विपक्षी खेमे में हलचल पैदा करने वाला था। बीरेन्द्र सिंह मस्त ने जिले आगमन पर सबसे पहले महर्षि बंग मुनि के मंत्री आकर माथा टेकते हुए उनके चरणों में शीश नवाते हुए और उनसे आशीर्वाद लेते हुए 2000 बलिया लोकसभा से विजय का संकल्प पाठ किया। जो मैं कह रहा हूँ प्रधानमंत्री भृगु बाबा, भृगु बाबा ने बुलाया है तो भृगु बाबा की धरती जो है, भृगु बाबा के भृगु पुत्रों को बुलाकर यही करते हैं जो हम चाहते हैं। और हमारे पार्टी के अध्यक्ष अमित भाई शाह ने मुझे आदेश दिया बलिया से चुनाव लड़ना। मुझे लगा कि भृगु भूमि पर भृगु बाबा ने मुझे बुलाया है और मुझे मातृभूमि के ऋण उऋण करने के लिए बुलाया है, और मातृभूमि का ऋण तभी उऋण हो सकता है जब भारत की जनता जो चाहती है मोदी को प्रधानमंत्री बनाना, बलिया भी प्रधानमंत्री बनाने में अपनी एक कड़ी जोड़ेगा तो मेरी मातृभूमि से अपने को उऋण समझूंगा। और मुझे भृगु बाबा ने बुलाया है मातृभूमि से उऋण होने के लिए। मेरा जन्म मुनीश्वरानंद खपड़िया बाबा के आशीर्वाद से हुआ है, उन्होंने मेरा मस्त राम नाम रखा है और मैं उसी मस्ती से राजनीति करता हूँ। इसलिए प्रार्थना करता हूँ भृगु भूमि को कि मुझे मातृभूमि के मातृ ऋण से ऋण होने के लिए भृगु बाबा ने बुलाया है, बलिया के सभी लोग उसमें योगदान करें। हम मातृ ऋण से ऋण होने के लिए भारत में एक नया भारत बनाने के लिए नरेंद्र भाई मोदी को प्रधानमंत्री बनाने में सभी लोग सहयोगी करें।